नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे दर्ज कराएं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। आज के दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करते हैं। सामान व सेवा अच्छी मिले इसके लिए हम ब्रांडेड कंपनी को चूज करते हैं और पैसे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। यदि इसके बाद भी उत्पाद खराब, मिलावटी निकले या सर्विस सही नहीं हो तो व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वो उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करे और मुआवजा प्राप्त करे। कोई उत्पाद नकली या फिर खराब मिलता है या सेवा प्रदाता तय सेवा नहीं देता है तो आपको उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। ऐसे में आप मुआवजे के हकदार हैं। आज हम आपको कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप धोखा होने पर आसानी से किसी भी कंपनी या सेवा प्रदाता के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं और आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। उपभोक्ता फोरम क्या है? उपभोक्ता फोरम में विक्रेता, निर्माता या सेवा प्रदाता के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है। इन्हें कंज्यूमर कोर्ट भी कहा जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहक की समस्याओं का समाधान कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए उपभोक्ता अदालत की स्थापना की गई है। उपभोक्ता फोरम एक सरकारी संस्था होती है जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार कानून 1886 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। उपभोक्ता फोरम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता शब्द का व्यापक अर्थ है, इसमें वस्तु व सेवाएं दोनों आती हैं, चाहे वह किराए पर ली गई हों या कैश अथवा किस्तों पर ली गई हों। यह कानून सभी पर लागू होता है। इसके अंतर्गत चल, अचल संपत्ति या कोई भी वस्तु या सेवा आ सकती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि उपभोक्ता अदालत में कौन सी शिकायत दर्ज करा सकता है? तो उपभोक्ता अदालत में पीड़ित ग्राहक, कोई फर्म, भले ही वो रजिस्टर्ड ना हो, कोई भी व्यक्ति भले ही वह खुद पीड़ित ना हुआ हो, संयुक्त हिंदू परिवार, कोऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों का कोई भी समूह, केंद्र या राज्य सरकार, ग्राहक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत कहाँ करें? यदि शिकायत का मामला 20 लाख रुपए तक की राशि का है तो इस प्रकार के वाद को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत की जा सकती है। यदि शिकायत का मामला 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो स्टेट कंज्यूमर फोरम के पास इसकी शिकायत करनी होती है। यदि शिकायत का मामला 1 करोड़ की राशि से ऊपर का है तो नेशनल कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत करनी होती है। प्रत्येक उपभोक्ता अदालत में एक फाइलिंग काउंटर होता है जहाँ सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराने हेतु शुल्क 1 लाख रुपए तक के मामलों के लिए 100 रुपए का शुल्क जमा करना होता है। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के मामलों के लिए 200 रुपए का शुल्क अदा करना होता है। 5 लाख रुपए तक के मामलों के लिए 400 रुपए का शुल्क अदा करना होता है। 20 लाख तक के मामलों के लिए 500 रुपए का शुल्क अदा करना होता है। 50 लाख रुपए तक के मामलों के लिए 2000 रुपए का शुल्क अदा करना होता है और 1 करोड़ रुपए तक के मामलों के लिए 4000 रुपए का कोर्ट फीस कंज्यूमर फोरम में जमा करना होता है। उपभोक्ता अदालत में शिकायत कैसे करें? उपभोक्ता अदालत में शिकायत करने के लिए उपभोक्ता को A4 साइज के एक सादे कागज पर अपनी शिकायत को पूरे विवरण के साथ लिखना होता है, जिसमें शिकायत में आरोपों का उल्लेख करते हुए शिकायत के साथ आपको ऐसे डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी होती है जो आपकी शिकायत का समर्थन करें। इसमें कैश मेमो, रसीद, एग्रीमेंट पेपर आदि हो सकते हैं। शिकायत पत्र में यह भी लिखना होता है कि सामने वाली कंपनी से आप किस प्रकार की राहत चाहते हैं। उपभोक्ता अदालत में शिकायत करने के लिए शिकायत की 3 प्रतियों में जमा कराना होता है। इसमें 1 कॉपी ऑफिस के लिए होती है और 1 विरोधी पार्टी के लिए होती है। उपभोक्ता अदालत में शिकायतकर्ता अपने वकील के माध्यम से अथवा स्वयं भी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत के साथ पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए कोर्ट फीस जमा करानी होती है। डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में बनवाना होता है। उपभोक्ता अदालत में टोल फ्री नंबर द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उपभोक्ता फोरम के शिकायत केंद्र 1800-11400 में सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1800-11300-300 पर मौखिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त 813-000-9809 पर SMS के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत दर्ज होने पर फोरम स्वतः मामले की सुनवाई शुरू कर देता है। वह संबंधित संस्थान से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही ग्राहक को 90 दिनों में न्याय दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट www.nationalconsumerhelpline.in पर जाना होगा। यहां पर पहले ही पेज पर आपको शिकायत रजिस्ट्रेशन टैब दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर आपको 2 विकल्प मिलेंगे। पहला होगा शिकायत रजिस्टर करें, दूसरा शिकायत का स्टेटस देखें।
आपको नई शिकायत रजिस्टर्ड करने चाहते हैं तो आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर शिकायत रजिस्टर्ड करने से पहले वेबसाइट पर उपभोक्ता को अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करके आप अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।